जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए दीपावली के दिन, दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए। दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए 3 दीप घी के, 1 फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, जिसका कर्जा चुकाना है व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर घर चले जाइए। पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो। दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु में रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है, यानी कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए 3 दीप घी के, 1 फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर जिसका कर्जा चुकाना है व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय, जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए, झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए। पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा, दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं। कहे कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। 4:00 से लेकर 7:30 तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है, 7:30 से लेकर 10:30 तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, 10:30 से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 तक पितरों का वास होता है,
11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर 4:00 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4:00 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है, तो सुबह 10:30, 11:00, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12:00, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।